हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आपका अपना चैनल अभियंत्रिकी पाठशाला में स्वागत है। आज का अपना टॉपिक है मोटर। कल के अपन टॉपिक में मोटर पढ़ा था, मोटर टॉपिक स्टार्ट किया था, लेकिन उसमें अपन ने उसके कंटेंट के बारे में पढ़े थे, सिर्फ कंटेंट के बारे में पढ़े थे, जिसमें अपन ने थोड़ा ब्रीफ एक ना उसके बारे में सिर्फ जानकारी प्राप्त की थी। तो फर्स्ट उसमें टॉपिक अपने पढ़ लिया था डेफिनेशन ऑफ मोटर, सेकंड इज यूज ऑफ मोटर, थर्ड इज क्लासिफिकेशन ऑफ मोटर, फोर्थ इज अपने पास टाइप्स मतलब सॉरी स्पेशल मोटर, एंड फिफ्थ इज प्रॉपर्टीज ऑफ ए गुड मोटर्स। तो अपन ने उसमें डिस्कस कर लिया था कि डेफिनेशन ऑफ मोटर्स क्या होती है और यूज ऑफ मोटर के बारे में अपने पढ़ लिया था। आज अपन पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मोटर के बारे में, इसका अपन थोड़ा एक्सप्लेनेशन के बारे में पढ़ेंगे, है ना। तो क्लासिफिकेशन ऑफ मोटर हम पढ़ते, तो स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मोटर। तो अभी तक आपने चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले कर लीजिए, और बगल में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लीजिए, जिससे टाइम टाइम आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे, और लास्ट तक वीडियो के लिए बने रहना, ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ मोटर हम बात करें तो फर्स्ट इज ना बेसिकली क्या है, फोर टाइप्स ऑफ मोटर होते हैं, फोर टाइप्स ऑफ मोटर क्लासिफिकेशन। फर्स्ट इज बल्क डेंसिटी, सेकंड इज टाइप्स ऑफ बाइंडिंग मटेरियल, थर्ड है नेचर ऑफ एप्लीकेशन, फोर्थ है स्पेशल मोटर्स। तो बल्क डेंसिटी की बात करते हैं, बल्क डेंसिटी क्या होता है बेसिकली, बल्क डेंसिटी इज बेसिकली क्या बोलते हैं मोटर इन ड्राई स्टेट, बेसिकली क्या होता है ड्राई स्टेट में होता है, ठीक है। एंड क्या देयर इज टू टाइप्स ऑफ मोटर, फर्स्ट इज हैवी मोटर, सेकंड इज लाइट वेट मोटर। अब हैवी वेट मोटर की अगर हम बात करें तो इसकी बात करें तो हैवी मोटर मतलब मोटर हैविंग बल्क डेंसिटी ऑफ 15 किलोमीटर पर मीटर क्यूब और मोर, मतलब कि बल्क डेंसिटी जो होगी वो 15 किलोमीटर पर मीटर क्यूब भी हो सकती है, उससे ज्यादा भी होगी, उससे ज्यादा होगी, ठीक है। इट इज नोन एज हैवी मोटर, ठीक है। एंड दे आर प्रिपेयर फ्रॉम हैवी क्वार्ट्ज और अदर सैंड्स। ये तो ये अपना कंप्लीट हो चुका है हैवी मोटर। देन सेकंड टॉपिक बात करें इसी में तो ये है अपना लाइट वेट मोटर। लाइट वेट मोटर की बात करते हैं कि क्या होगी, बल्क डेंसिटी इज लेस देन 15 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब आर नॉन एज लाइट वेट मोटर, मतलब कि जो बल्क डेंसिटी होगी वो 15 किलो न्यूटन से कम होगी, इट इज नॉन एज लाइट वेट मोटर। एंड इसको प्रिपेयर कैसे करते हैं, लाइट पोर्ट सैंड्स प्यूमिक्स एंड अदर फाइन एग्रीगेट्स इसको प्रिपेयर किया जाता है। तो इट इज लाइट वेट मोटर कम्प्लीटेड। देन अपना ये फर्स्ट टॉपिक इज कम्प्लीटेड बल्क डेंसिटी। एंड सेकेंड टॉपिक इज टाइप्स ऑफ बाइंडिंग मटेरियल, टाइप्स ऑफ बाइंडिंग बेसिकली फोर टाइप्स ऑफ बाइंडिंग मटेरियल। फर्स्ट वन इज लाइम मोटर, सेकेंड इज सुल्की मोटर, थर्ड इज सीमेंट मोटर एंड फोर्थ इज गेज मोटर। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ बाइंडिंग मटेरियल, बेसिकली टाइप्स ऑफ बाइंडिंग मटेरियल फॉर ए मोटर इज सिलेक्टेड बाय कीपिंग इन सेवरल फैक्टर्स सच एज एक्सपेक्टेड वर्किंग कंडीशन या मॉइस्चर कंडीशन। मतलब ये क्या है, वर्किंग कंडीशन में भी हो सकता है या मॉइस्चर कंडीशन में भी हो सकता है। तो बेसिकली ये हो गया अपना टाइप्स ऑफ बाइंडिंग मटेरियल। अब इसके बारे में बात करते हैं जो फोर टाइप्स थे, फर्स्ट वन इज लाइम मोटर। लाइम मोटर विल बी डिस्कस इन दिस टाइप ऑफ मोटर, ठीक है। देन लाइम यूज एज बाइंडिंग मटेरियल, देन लाइम में आइदर भी फैट लाइम भी हो सकता है या हाइड्रोटिक लाइम भी हो सकता है, ठीक है। देन फैट लाइम की अगर बात करें तो क्या, श्रिंक्स टू ए ग्रेट एक्सटेंट, मतलब कि जो इसमें जो फैट लाइम होगा बेसिकली वो काफी हद तक क्या सिकुड़ जाता है, श्रिंक्स मतलब एक तरह सिकुड़ना होता है, तो मतलब ग्रेट एक्सटेंट मतलब काफी हद तक सिकुड़ जाता है। देन इट्स रिक्वायर्ड अबाउट टू टू थ्री टाइम्स इट्स वॉल्यूम ऑफ सैंड, मतलब कि ये होगा कि इसलिए मतलब इसमें जो रेत की जो मात्रा है ना वो 2 से 3 गुना तक की इसमें आवश्यकता की जरूरत पड़ जाती है, इसलिए इसको 2 से 3 टाइम्स मतलब वॉल्यूम ऑफ सैंड का उपयोग करेंगे इसमें जब रिक्वायरमेंट होगी। देन थर्ड पॉइंट इज स्लेक बिफोर यूज, मतलब स्लेक बिफोर यूज के मतलब कि क्या, लाइम शुड बी स्लेक बिफोर यूज, मतलब उपयोग करने से पहले चूना लगाना चाहिए, ठीक है, मतलब इसमें चूने का उपयोग होगा इसके अंदर। फोर्थ वन की बात करें, इट इज सुटेबल फॉर वाटर लॉक एरिया या फिर डैम सिचुएशन, या मतलब इसका बेसिकली मतलब ये होता है कि जो मोटर, जो लाइम मोटर है वो जैसे अपना जो जल क्षेत्र वगैरह होगा या नमी, ये नमी वाली जगह हो गई वहां पे बेसिकली क्या अनसुटेबल होता है अपने पास। तो ये अपने पास हो गया अपना बेसिकली अपने फैट लाइम डिस्कस कर लिया। अब हम बात करते हैं हाइड्रोलिक लाइम की। देन हाइड्रोलिक लाइम की बात करते हैं क्या होता है, द प्रोपोर्शन ऑफ लाइम टू सैंड बाय वॉल्यूम इज अबाउट 1:2, मतलब हाइड्रोलिक लाइम चूने के लिए मतलब चूने के लिए मतलब जो रेत के लिए चूने का अनुपात लगभग कितना होना चाहिए, रेत के लिए मतलब कि या फिर यह मिट्टी के लिए जो बजरी है अपने सैंड, इसके लिए चूने का अनुपात होना चाहिए 1:2, ठीक है। तो ये होगा अपने हाइड्रोलिक लाइम। अब बात करते हैं लाइम मोटर। लाइम मोटर की जो प्लास्टिसिटी होगी वो क्या होगी, हाई होगी। लाइम मोटर हैज हाई प्लास्टिसिटी, तो सो दैट इट कैन बी, है ना, इजिली प्लेस, इसको आसानी से अपन क्या प्लेस भी कर सकते हैं, ठीक है, या इट कैन बी, या फिर है ना इट श्रिंक्स वेरी लिटिल, जो इसका क्या होगा कि जो ये बहुत कम सिकुड़न होती है इसमें या बहुत कम सिकुड़ता है, ठीक है। एंड इट इज सफिशियंटली
ड्यूरेबल, एक क्या होता है सफिशियंटली क्या ड्यूरेबल भी होता है एंड इट्स हार्डन्स स्लोली, इसकी जो हार्डनेस होगी वो क्या होगी स्लो होगी। हो गया। देन बात करते हैं सेकंड पॉइंट की सुर्खी मोर्टार के बारे में। तो सुर्खी मोर्टार होता है कि इज प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग फुली सुर्खी इंस्टेड ऑफ सैंड और बाय रिप्लेसिंग हाफ ऑफ सैंड इन केस ऑफ फैट लाइम। मतलब कि ये होता है कि इस प्रकार की जो मोर्टार होता है वो रेत के बजाय पूरी तरह से सुर्खी का उपयोग करता है, मतलब उसमें सुर्खी का उपयोग करता है, मतलब इंस्टेड ऑफ सैंड मतलब कि रेत के बजाय, ठीक है, रेत के बजाय यूजिंग फुली सुर्खी का उपयोग करते हैं, ठीक है, उपयोग करके। अब बात करें फैट लाइम की इन केस ऑफ, ये मतलब कि जो फैट लाइम की जो मोर्टार के मामले में जो रेत के आधे हिस्से में बदलकर तैयार किया जाता है, आधे हिस्से में मतलब रिप्लेसिंग हाफ ऑफ सैंड में बदलकर इसको रिप्लेस किया जाता है। देन बात करते हैं इसके अंदर दूसरा पॉइंट कि इट इज यूज्ड फॉर ऑर्डिनरी मेसनरी वर्क, मतलब ऑर्डिनरी मेसनरी वर्क ऑफ ऑल काइंड्स इन फाउंडेशन एंड सुपर स्ट्रक्चर्स। मतलब जो सुर्खी मोर्टार का जो उपयोग नींव और सुपर स्ट्रक्चर में, मतलब फाउंडेशन नींव और सुपर स्ट्रक्चर में सभी प्रकार के साधारण चिनाई कार्यों के लिए किया जाता है। सभी प्रकार मतलब ऑर्डिनरी मेसनरी वर्क्स, सभी प्रकार के चिनाई कार्यों में, मतलब मेसनरी वर्क चिनाई कार्यों में इसका किया जाता है। देन थर्ड इज इट कैन नॉट बी यूज फॉर प्लास्टरिंग और पॉइंटिंग, मतलब इसका उपयोग प्लास्टर और ना इंगित, पॉइंटिंग को अपन इंगित भी कर सकते हैं या पॉइंटिंग भी कह सकते हैं, के लिए नहीं किया जाता। सिंस सुर्खी इज लाइकली टू डिजाइन इंटीग्रेट आफ्टर सम टाइम, मतलब कि या फिर क्योंकि सुर्खी के कुछ समय बाद विकृत होने की संभावना है, या मतलब इसमें कुछ खराब होने की कुछ प्रॉब्लम होती है, डिजाइन इंटीग्रेट होने की प्रॉब्लम होती है, इसलिए अपन इसमें इसको अपन प्लास्टरिंग और पॉइंटिंग में इसका यूज नहीं करते हैं। देन बात करते हैं अपने पास सेकेंड इज कम्प्लीटेड सुर्खी मोटर। देन बात करते हैं नेक्स्ट की सीमेंट मोटर। सीमेंट मोटर की हम बात करते हैं तो सीमेंट, इन दिस टाइप ऑफ मोटर द सीमेंट इज यूज्ड एज द बाइंडिंग मटेरियल्स। देन मतलब इस प्रकार के जो मोटर में सीमेंट की जो होता है ना बाइंडिंग मटेरियल के रूप में उपयोग किया जाता है, मतलब सीमेंट को बाइंडिंग मटेरियल के रूप में उपयोग किया जाता है। देन बात करते हैं इसमें कि डिपेंडिंग अपॉन द स्ट्रेंथ रिक्वायरमेंट एंड इम्पोर्टेंस द प्रोपोर्शन ऑफ सीमेंट टू सैंड बाय वॉल्यूम वेरीज फ्रॉम 1:2 to 1:6 और मोर। मतलब कि सीमेंट टू सैंड बाय वॉल्यूम 1:2 to 1:6 या फिर मोर, मतलब कि ये होता है कि अगर शक्ति की आवश्यकता के बारे में बात करें या फिर जो अगर इसके महत्व के बारे में इम्पोर्टेंस के बारे में बात करें तो मतलब कि शक्ति की आवश्यकता या फिर महत्व के आधार पर जो रेत तक जो सीमेंट का अनुपात होता है, मतलब कि जो सैंड जो होगी अपने पास सैंड तक सैंड का सीमेंट का जो सैंड का सीमेंट तक जो अनुपात होता है वो कितना होता है 1:2 to 1:6 या फिर उससे ज्यादा भी हो सकता है। देन बात करते हैं मोटर ऑफ हाई स्ट्रेंथ, मतलब कि मोटर ऑफ हाई स्ट्रेंथ एंड वाटर रेजिस्टिंग प्रॉपर्टीज इज रिक्वायर्ड सच एज अंडरग्राउंड कंस्ट्रक्शन एंड वाटर सैचुरेटेड सॉइल्स। मतलब इसमें इसका यूज करते हैं, मतलब कि जो मोटर क्या होता है अपने पास हाई स्ट्रेंथ होती है, ठीक है, एंड वाटर रेजिस्टिंग प्रॉपर्टीज इसमें मतलब वाटर रेजिस्टिंग प्रॉपर्टीज होती है, ठीक है, इस तरह से होता है। इसको अपन यूज क्या करते हैं अंडरग्राउंड कंस्ट्रक्शन, ठीक है, अंडरग्राउंड कंस्ट्रक्शन साथ साथ वाटर सैचुरेटेड सॉइल को ध्यान में रखते हुए जो इसकी रिक्वायरमेंट अच्छी होती है, बस ये हो गया, रिक्वायरमेंट अच्छी होती है। गेट मोर वी विल डिस्कस इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइम मोर्टार एंड टू अचीव अर्ली स्ट्रेंथ सीमेंट इज समटाइम्स एडेड टू इट, इट प्रोसेस इज नॉन एज गेजिंग, मीन्स ये चूने के मोर्टार की गुणवत्ता में सुधार करने या फिर ना शुरुआती ताकत जो उसमें जो अर्ली स्ट्रेंथ जो होती है ना उसको हासिल करने के लिए सीमेंट को कभी कभी इसमें जोड़ा जाता है, मतलब अर्ली स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट, ये मतलब सीमेंट को इसमें कभी कभी समटाइम्स एडेड इन कभी कभी इसमें समटाइम्स मीन्स होता है कभी कभी एडेड मतलब जोड़ा जाता है, तो समटाइम्स एडेड टू इट मतलब कभी कभी इसमें जोड़ा जाता है, तो इस प्रोसेस को कहते हैं अपने पास गेजिंग, ठीक है। देन इट मेक्स देन ये हो गया अपने इसकी डेफिनेशन, गेजिंग की डेफिनेशन हो गई। अब बात करते हैं अपने पास इट मेक्स लाइम मोटर इकोनॉमिकल स्ट्रॉन्ग एंड डेंस, मतलब कि यह मतलब कि ये जो लाइम मोटर हो गया अपना वो क्या होगा इकोनॉमिकल भी होगा, इकोनॉमिकल है ना, इकोनॉमिकल मजबूत
है ना, इकोनॉमिकल हो गया स्ट्रांग, मतलब हो गया मजबूत, और डेंस ये मतलब घना, ठीक है, या सघन, इसको मेक मतलब बनाता है, ठीक है, बनाता है। देन थर्ड इज द यूजुअल प्रपोर्शन ऑफ सीमेंट, द यूजुअल प्रपोर्शन ऑफ सीमेंट सीमेंट टू लाइम बाय वॉल्यूम इज अबाउट 1:6:1:8। दिस वेरी यूजफुल लाइन या इम्पोर्टेंट लाइन, यूजफुल प्रपोर्शन ऑफ सीमेंट टू लाइम बाय वॉल्यूम इज अबाउट 1:6:1:8। इट मीन्स चूने के लिए सीमेंट का जो सामान्य अनुपात होगा, चूने के लिए, चूने के लिए मतलब लाइम चूना, इसको हिंदी में बोलते हैं चूना, चूने के लिए सीमेंट का जो अनुपात होगा, ठीक है, उस वो कितना होगा, 1:6:1:8 तक होगा, ठीक है, ये है अपने पास। इट इज ऑल्सो नोन एज, अभी जो पूरी प्रोसेस हुई जितनी हुई, इसको अपन कंपोजिट मोर्टार ही बोल सकते हैं या लाइम सीमेंट मोर्टार ही बोल सकते हैं। लाइम सीमेंट मोर्टार क्यों बोला, क्योंकि अपने पास ये सीमेंट से जो लाइम से सीमेंट, ठीक है, या सीमेंट का लाइम से अनुपात जो अपना ये बना था, उस इसी कारण से यहाँ पे लाइम सीमेंट मोर्टार इसको बोला गया अपने पास। तो ये पूरी प्रोसेस बेसिकली किसके ऊपर आई अपने पास, इसमें मेन कंटेंट क्या था, लाइम के ऊपर था, लाइम मोर्टार के ऊपर था, और इसके अंदर सीमेंट का जो यूज किया है उसके अकॉर्डिंग इसकी बात की, तो लाइम सीमेंट मोर्टार हो गया। अब बात करते हैं कि इट कैन बी ऑल्सो फॉर्म बाय कॉम्बिनेशन ऑफ सीमेंट एंड क्ले, तो इट मीन्स मतलब ये सीमेंट और मिट्टी के संयोजन से भी बन सकता है, मतलब कि जो क्या होता है, ये जो सीमेंट हो गई और क्ले मतलब चिकनी मिट्टी, या इसकी जो मिट्टी हो गई उसके कॉम्बिनेशन से भी ये क्या होता है, बन सकता है। दिस मोर्टार इट मे बी यूज फॉर बेडिंग एंड फॉर थिक ब्रिक वॉल्स, जी जो अपने मोर्टार है, ये मोर्टार है अपने पास, तो इसको अपन जो थिक ब्रिक वॉल से मोटी दीवार होती है, अपने ईंटों की दीवार होती है, और जो बेडिंग के लिए इसको यूज किया जाता है या वहां पे बनाई जाती है इसके, तो ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, तो अभी तक अपने चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए, और जो बगल में राइट साइड में बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लीजिए, क्योंकि यह वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए, थैंक यू सो मच।